Let me go across to some of those political voices that we spoke to, because there are expectations from every sphere. It's going to be two major focus, income and expenditure. Let's listen in to some important political voices on this. इस समय जो देश में समस्या है वो दो है. एक, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है जिसका इन्होंने बड़ा बखान किया था, और दूसरा जो स्थिति हमारे किसान की है, जो किसान के और जो जो हमारे निचले स्तर के जो कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी जो आज स्थिति है उस पर एक सवाल या निशान लग चुका है, और इसलिए उन पर हमको तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है. नहीं करेंगे तो हमारे पूरे देश के लिए, पार्टी को छोड़िए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी. हर बजट एक उम्मीद लेकर आता है, और मैं तो यही कहूँगा ये बजट भी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारा निवेश चाहिए उस दृष्टि से भी, रोजगार पैदा करने के लिए आधारभूत ढांचे में ज़्यादा निवेश हो, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं में और बेहतरी हो, सुधार हो, और ज़्यादा रोजगार हो पाए, इसलिए भी उस दिशा में इस बजट को लाया जाए. Yesterday in the Bengal Assembly, the Mamata Banerjee government presented a budget for development, a budget for women, a budget for farmers, a budget for the underprivileged. Today at 11 o'clock, what you will see is the usual. Picture ka naam hai, Lage Raho Jumla Bhai. That's going to be the budget coming up at 11 o'clock. Make promises, don't deliver.